भारी बारिश से आई बाढ़ ने उत्तराखंड के लोगों की जिंदगी को मानो बेमानी बना दिया है। पानी में पहाड़ से मैदान तक तकरीबन हर कोना है। हालात कमोबेश जल प्रलय जैसे दिखते हैं। सूबे की राजधानी देहरादून के गांव गौरा माफी के हालात बदतर हैं। सुनौंग नदी और गंगा के कहर के चलते 350 परिवार पानी की धार में फंस गए हैं, जिन्हें खाने के लाले पड़े हैं। पानी के बीच चूल्हा जलाने की बात बेमानी है। पीड़ितों को पीने का पानी से लेकर अन्य मूलभूत सुविधाएं तक नसीब नहीं है। हालांकि मौके पर SDRF की टीम राहत और बचाव के काम में जुटी है, लेकिन हालात इतने बदतर हैं कि SDRF की टीम के जी जान से काम करने के बावजूद कुछ ही लोगों को निकाला जा सका। मौके पर SDRF की टीम और स्थानीय प्रशासन ने लोगों के लिए आपदा राहत शिविर लगाया है, जहां उनके भोजन, ठहरने और इलाज की पूरी व्यवस्था की गई है। प्रशासन मौके और हालात पर नजर बनाए हुए है। हालात तो सर ये हैं कि पिछले 4-5 दिन से हम कंटिन्यू यहाँ पे डे नाइट यहाँ पे हमने अपनी SDRF की तरफ से पूरी कोशिश में लगे हैं। रात 2 बजे 2:30 बजे आके हमने पहले यहाँ पे जो लोगों की इनकी अपनी गाय बच्चियाँ ये भी हमने निकाली थी, और आज भी जैसे आप देख रहे हैं लाइव कि हमने उन लोगों को निकाला है जो कई दिनों से अपने काम पर नहीं जा पा रहे थे। कल जो हुआ उसमें जो लोग बीमार थे, जैसे कि डेड बॉडी थी, जो कैंसर से पीड़ित हो गए, ख़त्म हो गए थे, डेड बॉडी हमने रिकवर करी। एक प्रेग्नेंट लेडी का केस था सर, उनको भी हमने निकाला। एक जॉन्डिस का केस था, उनको भी हमने सर कल रिकवर कर दिया। देहरादून के गांव गौरी माफी में आसमानी आफत लोगों को कोई माफी देने के मूड में नहीं दिखती। लगातार हो रही बारिश में लोगों का सब कुछ पानी के भेंट चढ़ चुका है। फसलें पूरी तरह पानी में डूब चुकी हैं, वहीं सर्पदंश की घटनाएं भी बढ़ी हैं। CM त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इसे लेकर पिछले दिनों बैठक कर प्रभावित इलाकों में एंटी वेनम इंजेक्शन उपलब्ध कराने के सख्त निर्देश दिए थे। फिलहाल देहरादून के गांव गौरा माफी में 350 परिवारों को किसी भी कीमत पर बचाने के लिए उत्तराखंड में सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। SDRF और पुलिस प्रशासन को बकायदा पीड़ितों की मदद के साथ ही लोगों को पानी की तेज धार में आने से बचाने के भी निर्देश दिए गए हैं। लेकिन सूबे के लोगों के लिए ये वक्त बेहद मुश्किल भरा है। हाथ से कभी भी दावत दे सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ योगेश सेमवाल, APN रायवा।